संभल में पुरानी रंजिश के चलते हुए विवाद में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पीड़ित एक सप्ताह से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर अधिकारियों की हठ धर्मिता के कारण पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इसको लेकर पीड़ित ने IGRS पर शिकायत दर्ज कर रिपोर्ट लिखवाने के साथ ही पीड़ित ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। घटना एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है, जिसमें लोग घरों की छत से पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता चले पूरा मामला थाना संभल के कैला देवी के ग्राम लालपुर तितरी का है, जहां दो पक्षों में वर्षों से चली आ रही पुरानी रंजिश ने 19 जून को भयंकर रूप धारण कर लिया। गांव में जमकर पत्थरबाजी हुई। ग्राम में हुई पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पत्थरबाजी कर रहे लोगों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लगातार पीड़ित अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, मगर फिर भी पीड़ित की उच्च अधिकारियों द्वारा एक नहीं सुनी जा रही। घटना के एक सप्ताह बाद तक अधिकारी पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज ना होने पर पीड़ित ने IGRS के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। गांव मेरा लालपुर है साहब, तो थाने में कटरा लेने की बात हो गया। हम उन्हें शिकायत करना, उन्होंने देख लिया कि कट रहा है, हमने शिकायत करी तो हमारे घर उन्होंने पकड़ा पकड़ाव किया और छत पर चढ़ गए। वीडियो देख सकते हैं, वीडियो भी बनी, CCTV बनी हुई है और चार लोग मेरे घायल हुए थे और मेडिकल हुआ, पुलिस ने मेडिकल कराया। उनकी झूठी रिपोर्ट मेरे तो और लग गई, मुझे बचाने आए प्रेम सिंह सतवीर वगैरह, तो उनके ही ना खिलाफ रिपोर्ट कर दी। और साहब अब मेरा जो हालत है, मेरी रिपोर्ट किसी ने ना लिखी, ना मुझे कोई सूचना, पुलिस जाए तो भड़का देती है। घर जाऊं तो पुलिस फोन खुला लेते हैं ये, और मैं जाऊं तो पथराव खेलते हैं। बच्चा मेरे परेशान है, घर में पानी भरा रखा है, इसे पुलिस की मंजिल है मेरे साथ, बच्चा मकान है, गरीब आदमी हूँ मैं। योगी मोदी से मेरी अपील है कि हम लोग न्याय दिलवा दो और मेरी जात बात की सुनवाई होनी चाहिए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।